हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक बॉल है आपकी फेंकी गई है, ठीक है, और फेंकने के बाद वो वापस आई है कितने 6 सेकंड में, वर्टिकली फेंकी गई है, ठीक है। तो मेरी ये बॉल है और बॉल को मैंने वर्टिकली फेंका, ठीक है, और ये वापस भी आई है। ये मुझे किससे पता लगा, यहाँ से टाइम से, इन्होंने कहा है ना कि रिटर्न हुई है, रिटर्न मीन्स वापस भी आई है। तो टोटल जाने में आने में जो है 6 सेकंड लग रहा है, तो मीन्स जाने में 3 सेकंड लगा और आने में 3 सेकंड लगा, ठीक है। आगे फाइंड करना है वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रो अप, जब हमने इसको ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ फेंका तो उसकी वेलोसिटी पता करनी है, तो यू हमें पता नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए, अगर मैं फर्स्ट केस के लिए लिखूं तो यू मुझे पता नहीं है, वी मेरा क्या हो जाएगा, जीरो, जब टॉप पे जाएगा तो यू जीरो हो जाएगा। टी मेरे पास कितना दिया हुआ है, 3 सेकंड, ये तो हमें गिवन है ना क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो ऊपर जा रही है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटेशन के अपोजिट जा रहा है, तो मैं जी या फिर ए क्या ले लूंगी, मैं -10, अपोजिट जा रहा है इसलिए -10, आप -9.8 भी ले सकते हो, ठीक है, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, हमने वही यूज करना है। तो 10 से कैलकुलेशन बहुत इजी होगी, अगर पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो क्वेश्चन में अगर दिया है कि जी की वैल्यू आपने 9.8 लेनी है या जी की वैल्यू 10 लेनी है, तो आपने फिर वही यूज करना है, नहीं दिया तो आप अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए जो मर्जी वैल्यू फिल कर सकते हैं, मीन्स या 10 या फिर 9.8। माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमने ग्रेविटेशन के अपोजिट वर्क किया है, ठीक है। अगर ग्रेविटेशन के डायरेक्शन में करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, अपोजिट करेंगे, ग्रेविटेशन कहाँ होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन हम कहाँ फेंक रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, समझ आ गई बात। अब यहाँ पे मुझे यू फाइंड आउट करना है, वी है, टी है, ए है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी इसमें से, देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसमें से कौन से फॉर्मूले से इजीली निकल जाएगा, मेरे पास वी है, U है, A है, और मेरे पास देखो क्या नहीं है, यहाँ से मैच करो, U नहीं है मेरे पास, U नहीं है, V है, A है, T है, तो मैं इससे निकाल लूँगी ना, ये यूज़ करूँगी तो ऐसे, सॉरी दिखा नहीं आपको, देखो यहाँ से अगर मैं ये यूज़ करूँगी, S नहीं है मेरे पास, ये यूज़ करूँगी तो S नहीं है मेरे पास, तो मेरे पास क्या है, V is equal to U plus AT, तो मैंने क्या यूज़ करना है, V is equal to U plus AT, ठीक है। तो V मेरे पास 0 है, U मुझे पता नहीं है, A मेरे पास क्या है, -10, और T मेरे पास कितना है, 3, तो इसको सॉल्व करेंगे तो U ये माइनस हो जाएगा, ये 30, U यहाँ आ गया, तो माइनस का U is equal to -30, माइनस से माइनस कैंसिल, तो U is equal to मेरे पास कितना आ गया, 30। ये तो फर्स्ट हो गया हमारे पास कंडीशन। सेकेंड कंडीशन के लिए, सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, द मैक्सिमम हाइट इट रीच, मतलब ये हाइट हमें पता करनी है, डिस्टेंस एस पता करना है, ठीक है। तो एस पता करने के लिए मेरे पास यू है, वी है, टी है, तो मैंने एस फाइंड आउट करना है, तो कौन सा लगेगा मेरे पास फॉर्मूला, देखो यहाँ पर एस के लिए, अगर मैं एस के लिए ये वाला लगाती हूँ तो मेरे पास टी है, यहाँ पे तो है नहीं गई, तो मैं क्या लगाऊंगी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस इज इक्वल टू यू मेरे पास कितना आ गया है, 30, और टी मेरे पास 3 है, प्लस 1/2 ए मैं ले लेती हूँ। अब यहाँ पे डिस्टेंस किसके लिए, द मैक्सिमम हाइट रिच, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, अगर नीचे से ऊपर लिए तो मैं माइनस में ही इसको भी लूंगी, ठीक है, -10, और उसके बाद मेरे पास टी, टी कितना है, 3, 3 की स्क्वायर अगर करेंगे, 3 3 9, ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, ये कितना आ गया, 90, और ये प्लस माइनस हो गया, -2 से अगर मैं कैंसिल कर दूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -5, और 9 5 से यहाँ पे सीधे हम लिख देते हैं 45, ठीक है, 90 में से 45 को माइनस किया, क्या आ गया, 45 मीटर, क्या आ गई मेरी एस, ठीक है। अब बी कंडीशन, सी के लिए, सी इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, हमें पता है 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद नीचे आया, 4 सेकंड, 4 सेकंड मीन्स 3 तो ऊपर गया, 3 सेकंड तो उसको ऊपर जाने में लगा,
तो ये कहाँ लौट के कुछ यहाँ, मान लो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, यहाँ मतलब 4, 5, 6 में यहाँ पहुंचा। मीन्स यहाँ तक आने में इसको कितना जो है, इस पोजीशन को बताना है कि इट्स पोजीशन आफ्टर पोजीशन, मीन्स इसकी डिस्टेंस बतानी है 4 सेकंड, मतलब 3 सेकंड जाने के और 1 सेकंड इधर आने के, टोटल 4 सेकंड की बतानी है। तो अब इसके लिए हमें s पता करना है। s के लिए हम सेम वही फॉर्मूला रख लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास u कितना है, u हमारे पास है, अगर मैं देखो यहाँ पे उन्होंने इस फॉर्मूले में वैल्यू फिल करने के लिए पहले आप डायग्राम को समझो, हमें पोजीशन क्या निकालनी है, यहाँ से यहाँ की, इस 1 सेकंड की हम पहले निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये वापस आया है, इसकी निकाल रहे हैं ना, तो इसके लिए आपकी u क्या है, इसके लिए u आपकी कितनी है, 0 है। टाइम आपके पास किया है 1 सेकंड, हम सिर्फ 1 सेकंड का निकाल रहे हैं, 4 का हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, 1 सेकंड। a मेरे पास कितनी है, ऊपर से नीचे आ रहा, ग्रेविटेशन के साइड आ रहा, तो कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे। ठीक है, और s तो मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो u मेरा हो गया 0, t मेरे पास आ गया 1 प्लस हाफ, a मेरे पास आ गया 10। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा मेरा, यहां पर t स्क्वायर है, तो यहां पर 10 की क्या हो जाएगी आपकी, a आपके पास 10 हो गया और t मेरे पास कितना है, 1 सेकंड है, 1 का 1 ही हो जाएगा, 2 से कैंसिल किया, 2 5 सा क्या हो गया, 10। ठीक है, अब क्या आ गया मेरे पास, ये तो 0 ही हो गया, मेरे पास क्या बचा है, 5। ठीक है, टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ गई, 5 मीटर। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस आ गई मेरी 5 मीटर, कहाँ, कितने टाइम की है मेरे पास, ये 1 सेकंड की। अब हमें पूछा क्या है, टोटल टाइम कितने, 4 सेकंड। तो अब आप मुझे बताओ 4 सेकंड में टोटल टाइम कितना हो जाएगा। देखो यहाँ, सॉरी टोटल टाइम नहीं पूछा है, टोटल डिस्टेंस पता है, पता करना है पोजिशन मीन्स डिस्टेंस आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड में टोटल डिस्टेंस पता करना है। तो देखो 3 सेकंड डिस्टेंस के लिए कितना आ गया मेरे पास, 45 आ गया, 1 सेकंड का मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। तो आप बताओ कितना होगा इसका डिस्टेंस 4 सेकंड में, तो इसका आ जाएगा आफ्टर 4 सेकंड इसकी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, बताओ, 3 सेकंड वाला 45 और 1 सेकंड वाला 5, तो टोटल मेरे पास कितना आ गया, 50 मीटर। समझ आ गई मेरी बात, देखो 45 तो इसको 3 सेकंड में लगा था, 1 मीटर में मेरा कितना आ गया था, 5, तो टोटल कितना आ गया इसका, 50 आ गया। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है इसकी पोजिशन आफ्टर 4 सेकंड। देखो आफ्टर 4 सेकंड में गया ये और उसके बाद आया ये, अगर ये टोटल जो है मेरे पास कितनी थी, 45। ठीक है, कई बच्चे यहाँ गलती करते हैं, आपने ये गलती नहीं करनी है, अगर ये गया था तो 45 मीटर गया था, वापस आया तो 5 मीटर आया है। हमें पूछा है पोजीशन 4 सेकंड के बाद, 4 सेकंड के बाद ये गया और ये आया, मतलब इसमें से पूरे में से इसको हमने क्या कर देना, माइनस कर देना है। तो हमें पता लग जाएगा ना कि ये आखिर है कहाँ 4 सेकंड पर, 4 सेकंड पे ये 50, अगर ये 45 था और इतना वापस आ गया है, तो मैं क्या करूँगी, इस 45 में से 5 को माइनस करूँगी, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 40। समझ आ गई बात, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ये आपने ये स्टेप नहीं करनी है। ठीक है, ये स्टेप नहीं करनी है, समझ आ गई बात। ये टोटल डिस्टेंस आपकी कितनी थी जाने की, 45, यहाँ से यहाँ आने की कितनी थी, 5 मीटर थी। ठीक है, अब पूछा क्या था आपको कि पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, 3 सेकंड में तो ये इतना दूर गया, ठीक है, 1 सेकंड में इतनी दूर वापस आ गया, तो इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ तक की होगी ना, मीन्स यहाँ पर है ना ये, तो इतनी डिस्टेंस, इस डिस्टेंस में से अगर इस डिस्टेंस को मैं माइनस कर दूंगी तो ये मिल जाएगी ना, तो 45 में से मैंने 5 माइनस किया तो कितना आ गया, 40। तो मैं क्या लिखूंगी, 40 मीटर अबव द ग्राउंड। ओके बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया, तो प्लीज वीडियो को लाइक, और चैनल पे अगर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय बाय।